नमस्कार, आईपीएल पार्ट टू का स्वागत करने के लिए यूएई के मैदान तैयार हैं। बीसीसीआई के आला अधिकारी इस समय यूएई में हैं और आईपीएल को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं आईपीएल पार्ट टू में क्रिकेट के चाहने वालों को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईपीएल पार्ट टू में मैदान पर दर्शकों की वापसी हो सकती है और क्रिकेट का मजा फिर से लौट सकता है। इसी बीच आईपीएल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई ने इस बार प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले के लिए खास प्लान बनाया है, जिसका आधिकारिक रूप से जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वहीं मीडिया में आ रही खबरों की माने तो आईपीएल के बाकी 31 मैचों को 25 दिनों की विंडो में आयोजित करने का ऐलान किया जाएगा। बीसीसीआई 25 दिनों की विंडो में 8 डबल हेडर मैच फिट करने के लिए नया शेड्यूल बना रही है, क्योंकि बीसीसीआई को जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी को जवाब देना है। बता दें, इस साल टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन की जिम्मेदारी भारत के पास है, लेकिन भारत में कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में बीसीसीआई चाहती है कि पहले आईपीएल का मसला हल हो, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर काम किया जाए। इसलिए बीसीसीआई 8 से 10 डबल हेडर मैचों की प्लान बना रही है। पिछली बार की तरह इस साल भी मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। वहीं अगर प्लेऑफ और फाइनल मैचों की बात की जाए तो बीसीसीआई इन मुकाबलों की मेजबानी सिर्फ एक वेन्यू को सौंपना चाहती है। उम्मीद है कि इन नॉकआउट मैचों के लिए दुबई पहली पसंद हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर फ्रेंचाइजी इसी जगह अपने अपने होटल्स बुकिंग कर सकते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। बीसीसीआई के कुछ अधिकारी भी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आईपीएल के नॉकआउट मुकाबले और फाइनल दुबई में आयोजित हो सकते हैं। बीसीसीआई आईपीएल पार्ट टू को 17 से 19 सितंबर के बीच शुरू करने का प्लान बना रही है। हालांकि सब कुछ बीसीसीआई के शेड्यूल जारी करने के बाद ही पुख्ता होगा। इसे आप आईपीएल में किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।